हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटो G34 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के डेटा रोमिंग सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का सेटिंग का पेज ओपन करना है। इसमें आपको ये नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको नीचे मोबाइल नेटवर्क का ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अब इस पेज में आपको अपने मोबाइल फ़ोन की सिम को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी सिम है, ठीक है। अब इस वाले पेज में आपको नीचे ये डेटा रोमिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस पेज में आपको नीचे ऑल नेटवर्क के सामने सर्कल पे टिक मार्क लगाना है। अब इसके बाद इस पेज में ओके कर देना है, तो आपका ये ऑल नेटवर्क के सामने टिक मार्क लग जाएगा। इसके बाद आपको ओके का बटन दोबारा से टैप करना है, तो आपका डेटा रोमिंग के नीचे ऑल नेटवर्क लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके से डेटा रोमिंग सेटिंग आपकी चालू हो जाती है, ठीक है ना, यानी इनेबल हो जाती है। अब देखिए, डेटा रोमिंग सेटिंग को हमें चालू करने की जरूरत कब पड़ती है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपका जो कोई भी स्टेट है ना, अगर आप अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आपको ये डेटा रोमिंग की सेटिंग को चालू करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि जब आप इसे चालू करेंगे तब जाके आपके मोबाइल फ़ोन का डेटा इंटरनेट काम करेगा, ठीक है।